हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के खिलाफ मुंबई के मुस्लिम संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रजा एकेडमी, जो कि शहर का एक प्रमुख मुस्लिम संगठन है, उसके सेक्रेटरी मौलाना खलील रहमान नूरी जी। नूरी साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया इस बात को लेकर जानना चाहूंगा, जो मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने जो बात कही है कि अब जो है फ्रांस में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद में गुस्साए मुसलमानों को अधिकार है फ्रांसीसी नागरिकों की हत्या का, और उन्होंने एक तरह से फ्रांस के नागरिकों की जो हत्या हुई है उनको जायज भी ठहराया है। देखिए, जहां तक जो है गुस्ताखी की बात है जो मैक्रोन ने जो है फ्रांस के प्रेसिडेंट ने किया है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। वो एक पागल इंसान है, कुत्ता है वो, जो इस तरह से उन्होंने किसी मजहबी पेशवा की तौहीन की है जो नाकबिले बर्दाश्त है। ये उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, गोलियां खा सकता है, भूखे रह सकता है, गुर्बत में ज़िंदगी गुजार सकता है, लेकिन अपने नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और उसने जो है, चूंकि अगले साल वहाँ इलेक्शन है, तो इलेक्शन स्टैंड बनाते हुए उसको बजाय कोई और रास्ता अख्तियार करने के, उसने जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशाना बनाया, ताकि जो है वहाँ की जो ईसाई पॉपुलेशन है या और दूसरी पॉपुलेशन है मुसलमानों के अलावा, उनका वोट हासिल कर सके, दोबारा प्रेसिडेंट मिल सके। और अब रहा सवाल ये कि उसके उस पर इस बकवास के ऊपर जो पूरी दुनिया में जो है जो प्रतिक्रिया जाहिर हो रही है, रद्द अमल आ रहा है उसकी इस बकवास के ऊपर से, आज यही वजह है कि उसके मुल्क के तमाम सामान को भी जो है बायकॉट किया जा रहा है, उसकी मजम्मत की जा रही है, यूएनओ वगैरह में जो है वहाँ उसकी जो शिकायत की जा रही है। रहा सवाल, मेरा सवाल जो है मलेशिया के जो महातिर मोहम्मद है उन्होंने जो बात कही है कि अब मुसलमानों को हक मिल गया एक तरीके से कि फ्रांस के नागरिकों की हत्या की जाए, उस पर आप क्या कहें? नहीं देखिए, ऐसा है, हम ये कहते हैं कि वही हम कह रहे हैं कि एक अगर इंसान पागल हो गया, कुत्ता अगर पागल हो गया वो काटने लगता है, तो ये नहीं कि उसको हम उसके उस कुत्ते के एवज दूसरे कुत्तों को हम मारने लगे या किसी और इंसान को मारने लगे, तो ऐसा नहीं। इस्लाम ये नहीं बताता, इस्लाम तो सब्र की तलकीन करता है। और आज तो ईद मिलाद उन नबी का दिन है, जो नबी हमारे तशरीफ़ लाए, हम जिसकी ईद मना रहे हैं आज, उन्होंने तो इंसानियत को दर्श दिया, उन्होंने पत्थर के बदले में पत्थर नहीं मारा बल्कि उनके लिए दुआएं दी हैं। तो मुआसिर मोहम्मद ने जो कहा है हम उस बात से मुत्तफिक नहीं हैं कि अब हक बन जाता है कि फ्रांस के लोगों का जो है कत्ल करना जो है हमारे लिए जायज़ हो जाएगा, हम इसकी जो है मतलब उससे मुत्तफिक भी नहीं है और हम इसको जायज़ नहीं समझते हैं, ना हमारा दीन इसको जायज़ कहता है। दूसरा सवाल यह है कि जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि शहर के मुस्लिम इलाकों में मैक्रोन की तस्वीरें चिपकाई गई हैं, उस पर से लोग पैर रख के जा रहे हैं, उस पर से वाहन गुजर रहे हैं, तो विरोध प्रदर्शन के इस तरीके को कितना ठीक मानते हैं आप? एक तो फ्रांस भारत का मित्र देश है, दूसरा कि अब जो कुछ भी हुआ है फ्रांस में उसके बाद में भारत ने एक तरह से समर्थन बताया है जो वहां पर आतंकी हमले हुए हैं, फ्रांस के प्रति अपनी सॉलिडरिटी वहां पर जताई है। चूंकि भारत देखिए ऐसा एक मुल्क हो गया है अभी ये 2014 से अब तक कि यहाँ खुद दहशतगर्दी हो रही है, मॉब लिंचिंग के नाम से दहशत फैलाया जा रहा है, और क्या कहते हैं आरएसएस और संघ के लोग जो है दलितों के, पसमानदा लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए उनके दिलों में नफरत पाया जा रहा है। चूंकि इनका जो है मैंटेलिटी जो है वो एकदम दहशतगर्दी का है, और यही वजह है कि जाहिर सी बात है ऐसा आदमी जो है उसकी हिमायत करेगा ही। हमारा मुल्क है, आज तक यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग एक भाई की तरह एक जान होकर हम जी रहे हैं इस मुल्क की, आज इसी वजह से आज इतना बड़ा मुल्क है, इसकी तरक्की हुई है। लेकिन ये 5 से 7 सालों के अंदर जो है मुल्क जिस तरह से पसमानदगी, गुर्बत, बेरोजगारी, हाहाकार मचा हुआ है, तो अब चूंकि मुल्क को प्राइम मिनिस्टर को और मोदी हुकूमत को क्या चाहिए कि किसी न किसी बहाने से आदमी का जो है माइंड डाइवर्ट किया जाए, ताकि लोग गरीब गुर्बत के लिए ना पूछे, बेरोजगारी के लिए, नौकरियों के लिए लोग परेशान है, खाने पीने के लोग परेशान है, मर रहे हैं। आज बिहार इलेक्शन में मुद्दा क्या है? इलेक्शन का, लेकिन वहां भी राम मंदिर, अब तो राम मंदिर खत्म हो गया, लेकिन इसके बावजूद वो इस तरह से किसी न किसी तरह अपने असली मुद्दों को कि पब्लिक पूछेगी हमको, उससे जहन भटकाने के लिए ये सारे रास्ते अपना रहे हैं, ये सही नहीं है। धन्यवाद मौलाना साहब। तो आपने सुना मौलाना खलीलुर रहमान नूरी को, जो हमें रजा एकेडमी की ओर से प्रतिक्रिया दे रहे थे।
कैमरामैन मनोज जायसवाल के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।